हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रिया लक्ष्मी बालाजी सेलर। आज स्टॉक वीडियो के साथ आए हैं, मतलब जो हमारे पास अवेलेबल है वो सारा स्टॉक आपके साथ अभी शेयर करेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्लैक होल है, बहुत अच्छी टेस्ट में है। इसका जो रोस्टिंग है बहुत अच्छे से हुआ है, जिसके कारण वो देखेंगे आप तो अंदर से पूरा ऐसा ग्रे में है और एकदम ही सॉफ्ट में है, क्रंची है, बहुत ज़्यादा अर्दी है। और मेन चीज़ कि ये बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं है, एकदम सॉफ्ट में है। ठीक है, जिस जितना उसको सॉफ्ट होना चाहिए उतने में सॉफ्ट है ये, और बहुत अच्छा है रोस्टिंग इसका, फुल ऑन क्रंची है। देखिए, बहुत लाजवाब, मस्त लग रहा है टेस्ट वाइज भी। इसके भी बहुत ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि टूटने से ऐसा टूट रहा है वो, और क्रंच भी इसका ना बहुत अच्छा है। आपको बता दें, इसका क्रंच भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, ये वाला ऐसा वाला है ये, आप पूरा देख लीजिए वीडियो में मिट्टी कैसा है करके। टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्रंच में भी बहुत अच्छी है। ठीक है, ब्लैक होल ड्राई फ्रूट के जैसा इसका रोस्टिंग है, और जो टेस्ट है इसका बिल्कुल ही मग मिट्टी के जैसा है, है ना। जो लोग हमसे ले चुके हैं पहले मग मिट्टी, तो उनको याद है मग मिट्टी का अभी भी टेस्ट, तो उनके लिए ही ये मग मिट्टी वाली टेस्ट है। बहुत क्रंची में है, बहुत ज़्यादा अर्दी है ये। नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं आपको रेड बटर रे, काफ़ी अच्छा है रेड बटर भी। ठीक है, हमारे पास जो रेड बटर होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, और ये ना लेयर में टूटने वाली है, इसलिए हम इसको आपको दिखा रहे हैं तोड़कर। और जितने पॉसिबल लेयर इसके निकलेंगे ना, ये देखिए, तोड़ने से इसके लेयर में निकलती है, और अंदर के साइड में ये रेड होती है, ये ऐसा रेड होता है, उसके अंदर रेड पैच वाली बोलेंगे हम इसको। पूरा रेड एक जैसा नहीं होता है, एक आध आधा चंक्स हो जाता है ऐसा रेड, लेकिन आप देखेंगे तो ये ऐसा ही है, पूरा फुल क्रंची है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, और स्मोक इसके अंदर नहीं है। देखिए, ठीक है, तो ऐसे ये लेयर में टूटने वाली है, बड़े बड़े चंक्स है। हम तोड़ नहीं रहे क्योंकि ये बिखर जाती है और ख़राब हो जाती है, फिर क्रम्बल्स बन जाते हैं इसका। बहुत अच्छा है ये भी रेड बटर। उसके बाद नेक्स्ट है डबल रोस्टेड बटर ग्रे, ये भी बड़े बड़े चंक्स में भी आई हुई है और लेयर में, देखिए दोनों साइड से रोस्ट है। ये सिंगल रोस्ट है लेकिन ये डबल रोस्ट में ही आती है, और ये ना फुल क्रंची है, एकदम क्रंचीनेस इसके अंदर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिए इतना अच्छा क्रंचीनेस इसके अंदर है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है उसकी। यहाँ पर नॉन रोस्टेड है, ये भी फुल ऑन क्रंची है, मतलब रेनी सीजन है लेकिन कोई भी क्ले सॉफ्ट में नहीं है, सारी की सारी फुल ऑन क्रंची है। ठीक है, और नॉन गमी है, कोई भी क्ले चिपकती नहीं है और ग्रिटी नहीं है, और स्मोक भी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी मिट्टी इसमें आप जो देख रहे हो स्मोकी नहीं है। ठीक है, रेड क्ले भी अवेलेबल है, उसका भी एक वीडियो हम ज़रूर अपलोड करेंगे। फिलहाल नकुमट आपको दिखा रहे हैं, तो जिसको भी चाहिए वो आप ले सकते हो, नॉन रोस्टेड है, बेस्ट क्वालिटी और बिग बिग चंक्स में, और ये सारा न्यू फ्रेश स्टॉक में से आएगा। यहाँ पर है रेड बटर, और ये है ड्राई फ्रूट ब्लैक होल मग मिट्टी के जैसा टेस्ट वाला, और यहाँ पर है फुल ऑन डबल रोस्ट बटर के। जिनको भी चाहिए गाइस, व्हाट्सअप मैसेज करिए, ऑनलाइन पेमेंट सर्विस पे आपको इतना अच्छा मिट्टी मिलेगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि और अच्छे कंटेंट वाले वीडियो आपके लिए हम बनाएंगे। देखिए कितने इजीली ये टूट गया, मतलब डबल लेयर में है और बहुत क्रंची है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। ये अलग बटर ग्रे है थोड़ा सा, देखिए आपने जैसे टूटता है, टूट के बिखर जाता है, पीसेस हो जाते हैं, मतलब ऐसा चूरा चूरा नहीं होता है।
ऐसा भी किसी को चाहिए सॉफ्ट में, वो भी मिल जाएगा। ये हल्का सा गमी होगा लेकिन ये भी क्रंची में है, ज़्यादा नहीं चिपकता। ठीक है, ये बहुत अच्छी मिट्टी है ये वाला, और बहुत ज़्यादा फेमस भी है। और इसमें ऐसे आप देखेंगे थोड़े से पिंक और थोड़े से रेड में भी आए हैं, थोड़े पिंक भी हैं थोड़े रेड भी हैं। और इन सब पे ऑफ़र चालू है, 180 के आएंगे आपको। देखिए इसमें रेड भी पीसेस आपको मिलेंगे, किसी को रेड अगर चाहिए तो मिल जाएगा। फुल ऑन क्रंची आपको तोड़कर भी दिखाया, स्टॉक अभी आए हुए हैं फ्रेश में सब। जल्दी जल्दी व्हाट्सअप करिए, ऑनलाइन पेमेंट सर्विस पे आपको मिल जाएगा। जल्दी जल्दी व्हाट्सअप करके स्टॉक ले लीजिए, बहुत अच्छी मिट्टी है ये भी, बहुत ज़्यादा सेलिंग में है और डिमांड में भी है। 5 kg कोई लेगा तो उसको 750 का आएगा, लेकिन 1 kg अपना रेगुलर प्राइस में ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू एंड बाय फ्रेंड्स।